शुभ संध्या। पत्थर पुराने हो सकते हैं लेकिन वे ताज़ा तराशे जाते हैं। सभ्यता प्राचीन हो सकती है लेकिन वह फिर से जन्म लेती है। लोग युवा हो सकते हैं लेकिन वे कभी नहीं भूलते। दिन कोई भी हो सकता है लेकिन वह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। सात साम्राज्य, सात साम्राज्य आए और चले गए लेकिन एक सभ्यता अपनी जगह खड़ी रही। यह दिन कई मायनों में हमारी सभ्यता को पुनः परिभाषित करता है, लेकिन यह समझने के लिए कि कैसे, हमें पहले शायद इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो सभ्यता क्या है? आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? क्या यह एक विचार है जिसे लोगों पर थोपा जाना चाहिए ताकि वे इसे आगे बढ़ा सकें? क्या यह चमकीले बर्तनों के बाईं तरफ कांटे और दाईं तरफ चम्मच रखने का प्रबंध है? क्या यह वस्त्र सज्जा है? क्या यह कहे या लिखे गए शब्द हैं? क्या यह विज्ञान है? क्या यह जीवन की सुविधा है? क्या यह उपभोग है? क्या यह धन है? जिन तानाशाहों ने लाखों की हत्या की, पूरी जातियों और यहाँ तक कि महाद्वीपों को मिटा दिया, वे कवि, कलाकार, विज्ञान के समर्थक रहे हैं। लेकिन क्या आप उनके उपहारों को सभ्यता को बढ़ावा देने या संरक्षित करने के रूप में कहेंगे? मेरे लिए सभ्यता की यह विशेषता है मनुष्य की यह अदम्य प्यास अपने पूर्वजों के लिए न्याय की मांग करने की, एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने की, क्योंकि यह एक निरंतरता, एक विचार, एक स्मृति को दर्शाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिसके लिए लड़ना और उसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। यह न्याय को उसके घटकों के योग से बड़ा बनाता है और इसीलिए सभ्यताएँ साम्राज्यों की तरह क्षणिक नहीं होती। सैकड़ों वर्षों, आधी सहस्राब्दी से मृत लोगों के लिए न्याय की मांग करना, यह लगभग ऐसा है जैसे आप उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनके विनाश को महसूस कर सकते हैं जो शरीर और समय की सीमाओं को पार कर गया है। और इसीलिए इतिहास एक दवा है, इसीलिए कैथारसिस एक इलाज है। और आज जब मैं अपने पूर्वजों के अधिकारों को पुनः प्राप्त करते देखता हूँ तो मैं इसे कैथारसिस के रूप में देखता हूँ, उन पूर्वजों को न्याय मिलने के रूप में जिनके साथ गलत हुआ था। मैंने कहा था कि इतिहास एक दवा है। खैर, ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही कड़वी दवा रही है। हमारे नेताओं ने सोमनाथ के पुनराभिषेक से हिंदू पुनर्जागरण की शुरुआत होने की आशंका जताई और हम चुप रहे। हमारे नेताओं ने धोखे से सबसे पवित्र कृष्ण जन्मस्थान को शोषणकारी ईदगाह पक्ष को सौंप दिया और हम चुप रहे। हमारे नेताओं ने घृणित पूजा स्थल अधिनियम का प्रचार किया ताकि हमें हमारे मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के हमारे वैधानिक अधिकार से वंचित किया जा सके और हम चुप रहे। ज्ञानवापी के बाहर नंदी मुस्कुराते हैं, जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे बाल कृष्ण हलचल करते हैं। 500 वर्ष, 20 पीढ़ियां, हमसे पहले की 20 पीढ़ियों को राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद को देखने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन 21वीं पीढ़ी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर देखेगी। समय आ गया है, न्याय मिल गया है। यह मुझे असमंजस में डाल देता है क्योंकि मैं स्वयं को मात्र कुछ कोशिकाओं का समूह मानता हूं, आज यहां कल नहीं। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, ऐतिहासिक गलती को सुधारने की यह धारणा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह मेरी पहचान को परिभाषित करता है। यह बताता है कि मैं किस सभ्यता का हिस्सा हूं, कि मेरे जीन्स को मिटाने से मेरी सभ्यता नहीं मिटेगी। कई मायनों में न्याय की अवधारणा स्मृति की तरह है, यह हस्तांतरित होती रहती है जब तक यह पूर्णता प्राप्त न कर ले। आज यह साकार हो गई है। कुछ महानता की ओर बढ़ते हैं, अन्य इसे पुनः प्राप्त करते हैं। हम भारतीय दोनों करते हैं। आप जानते हैं, मैंने पहले कहा था कि राष्ट्र अपने अतीत के कारण नहीं बल्कि उसे कैसे पढ़ाया जाता है उसके कारण कमजोर होते हैं। 70 वर्षों से हमें ऐतिहासिक अन्याय भूलने की शिक्षा दी जाती रही है। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, बाबरपुर से बख्तियारपुर, इलाहाबाद से औरंगाबाद, मारतंड से मथुरा तक इन अन्यायों को जानबूझकर ऐसे प्रदर्शित किया गया है जैसे इन अपमानों का महिमामंडन करना हो, अपमान का जश्न मनाना हो। अब और नहीं। याद रखिए, आप कुछ भी ध्वस्त कर सकते हैं लेकिन सत्य नहीं। आप कुछ भी मिटा सकते हैं लेकिन स्मृति नहीं। आप कुछ भी कुचल सकते हैं लेकिन आत्मा नहीं। आप कुछ भी रोक सकते हैं लेकिन न्याय नहीं। आप 20 पीढ़ियों को दबा सकते हैं लेकिन 21वीं को नहीं। जय श्री राम।